कि अब इस टेक्स्ट को हम जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज की क्लास में हम पेस्ट स्पेशल के बारे में बताने जा रहे हैं। सिंपली आपने कॉपी करना और पेस्ट करना सीखा हुआ है कि आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एडिट में गए, आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने क्या किया कि उसको आपने दूसरे स्थान पे क्लिक किया और उसे आपने पेस्ट कर दिया। शॉर्टकट तरीका कंट्रोल प्लस भी। आप देख सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है उसी फॉर्मेट में, उसी स्टाइल में, उसी साइज में आपका ये टेक्स्ट यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। अगर मान लीजिए कि हम इस टेक्स्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसे क्या किया, इसको मैंने कोई कलर दे दिया, कलर देने के बाद यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया और इसके साथ ही इसका फॉन्ट साइज भी हमने बदल के 16 कर दिया। अब यहाँ देखना है, अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और एडिट में जाके हम इसे अगर कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसे हम क्या करते हैं, दोबारा हम पेस्ट करते हैं, समझिएगा, दोबारा अगर हम पेस्ट करते हैं तो ये सेम जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी फॉर्मेटिंग में आपको टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको जब हम पेस्ट करें तो इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट मेनू के अंदर पेस्ट स्पेशल पे जाके क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खुल गया है जिसमें सोर्स कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1 जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल खुली है 1 वो आपको यहाँ दिखा रहा है और पेस्ट करने के यहाँ दो विकल्प आपको दे रहा है कि पेस्ट एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। आप चाहते हो कि अगर हम इसे वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में ही पेस्ट करें तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सेम फॉर्मेटिंग आपके सामने जो है पेस्ट होगा, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप एडिट में जाके फिर से दोबारा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करते हो और अगर आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF में रखते हो तो ये भी जिस तरह का टेक्स्ट आपने लिखा है, सिलेक्शन किया है, उसी फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करेगा, देखते रहेगा। अगर आप एडिट के अंदर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हो और यहाँ देख सकते हो अनफॉर्मेटेड दिया गया है, यानी जो भी फॉर्मेटिंग आपने अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए किया था और जो फॉर्मेटिंग आपने कॉपी किया था, अगर उस फॉर्मेटिंग को आप नहीं चाहते हो कि जब हम पेस्ट करें वो फॉर्मेट आए, तो इसके लिए आपको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और जैसे ओके करेंगे जो भी फॉर्मेटिंग आपने यूज़ किया था वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। याद करें हमने टाइम न्यू रोमन रखा था, फॉन्ट की साइज हमने 12 रखा था और कलर हमने ब्लैक रखा था नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। बाद में हमने इसका स्टाइल बदल के फॉन्ट भी बदला, फॉन्ट का कलर भी बदला और फॉन्ट का साइज भी बदला, वो सब कुछ हटा दिया और नॉर्मल पेस्ट आपके पेज के ऊपर रख दिया गया है। तो इसमें काफ़ी कुछ विकल्प आपके दिए गए हैं। अभी और देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, इसमें अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट भी दिया हुआ है। यहाँ HTML फॉर्मेट में यानी वेब पेज के रूप में भी आप अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ देखिए एक विकल्प आ रहा है पिक्चर मोड में इंसर्ट करना। आपको बता दें कि ये जब टेक्स्ट आप इंसर्ट कर रहे हो तो इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो, इसके अंदर आप जो भी चाहो, जो भी करेक्शन करना चाहो आप मिटा सकते हो, नए शब्दों को आप इसके अंदर लिख सकते हो। यहाँ देखिएगा आपका इस तरह इंसर्ट हुआ है, इसके अंदर भी आपको जो करेक्शन करना है आप यहाँ करेक्शन कर सकते हो, जो लिखना है आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एज ए पिक्चर इंसर्ट करें तो इंसर्ट मेनू के अंदर स्पेशल पेस्ट के अंदर आप जाइएगा और यहाँ पे एज ए पिक्चर पे क्लिक करके आप ओके करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट एज ए पिक्चर इंसर्ट कर दिया गया है, एज ए पिक्चर इंसर्ट कर दिया गया और साथ में ये टूल बार भी खुल के आया, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और क्रॉप के बाद यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, काट कर इसे छोटा कर देते हैं। एज ए इमेज हमारा टेक्स्ट एज ए इमेज इंसर्ट हुआ है। और एक काम और करिएगा आप लोग, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग को स्क्वायर कर दीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि अब इस टेक्स्ट को हम जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। यही नहीं बल्कि आप इसे इस पॉइंट को पकड़ के, इसके द्वारा आप पकड़ के इसे आप किसी भी एंगल पर इसे रोटेट भी कर सकते हो। देखिएगा अगर आप नॉर्मली पेस्ट करते हो तो ये चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन आप देखें अगर आपने पेस्ट स्पेशल किया है तो आप इसे कहीं भी आप टेक्स्ट को ले जा सकते हो। अब देखिए ये मार्जिन एरिया है, इस मार्जिन एरिया में भी टेक्स्ट को हम रख सकते हैं, लेफ्ट और राइट दिशा में कहीं भी आप अपने पेज के ऊपर मार्जिन एरिया में इसको रखना चाहते हो आप अपने टेक्स्ट को रख सकते हो, जिस एंगल पे चाहो उस एंगल पे आप इसे घुमाकर रख सकते हो। ये है आपका पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में भी ये इमेज के रूप में आपने अपने टेक्स्ट को
अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया है, तो बहुत अच्छा विकल्प होता है। अगर आप कॉपी और पेस्ट करते हो तो उससे थोड़ा सा एडवांस आपको आगे जाना होगा और पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करना होगा।